रशिया का लूना 25 हुआ क्रैश, चांद की सतह से टकराया और लूना 25 के चीतड़े उड़ गए। रशिया ने 47 सालों के बाद मून मिशन लॉन्च किया था। आपको बता दें कि रूस ने 11 अगस्त को लूना 25 को लॉन्च किया था, जिसे 21 अगस्त को चांद की सतह पर उतरना था। रोसकोसमोस ने कहा कि शुरुआती जांच के अनुसार लूना 25 असली पैरामीटर से अलग चला गया था, ते ऑर्बिट के बजाय दूसरे ऑर्बिट में चला गया जहां पर उसे जाना नहीं चाहिए था। इसकी वजह से वे सीधे चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास जाकर क्रैश हो गया। रूसी स्पेस एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने माना है कि उनसे गलत पैरामीटर सेट हुए, अपने डाटा एनालिसिस में गलती हुई, जिसकी वजह से ये यान गलत ऑर्बिट में गया और क्रैश हो गया। इंडिया के मून मिशन चंद्रयान 3 के साथ साथ रूस का लूना 25 भी चांद की सतह पर उतरने के लिए आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान 19 अगस्त को लूना 25 में तकनीकी खामी आ गई थी, जिसकी वजह से मुश्किलें खड़ी हो गई थी। रूसी स्पेस एजेंसी को शनिवार को ही लूना 25 की जांच करते हुए इमरजेंसी का पता चल गया था। रशिया का लूना 25 मून मिशन फेल हो चुका है, जिसमें रशिया को करोड़ों का नुकसान हुआ है। अब हम सबको चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रयान 3 भी लैंड होने की तैयारी में है। लूना 25 को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि सबको पता चल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें।